टू माई ब्लॉग, मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी सिंप्लिसिटी। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं, सबका ब्रेकफास्ट हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। तो आज ब्रेकफास्ट में वही बनाया, कल पूरी के लिए जो मैदा और आटा मिक्स करके गूंदे थे उसी से ही आज भी हो गया ब्रेकफास्ट। और बस अभी अंडा भी बॉयल हो गया, तो अंडा करी और राइस बना देंगे। और ये देखो कितनी धूप और उतनी ज़्यादा गर्मी और उतनी ज़्यादा पसीना, गर्मी के और क्या बोलूँ हर वीडियो में। तो ये चल रहा है। और यहाँ पे देखो मेरी पूजा के लिए फूल, अच्छा पूजा रूम भी पोछना है क्योंकि जो हमारे हाउसल बड़े है काम करने आते हैं उन वो पूजा रूम नहीं पोछते, हम पोछने नहीं देते। रिया को बोलूँ तो रिया भी लगा देती है, बट रिया का क्लास चल रहा है तो मैं ही लगा दूँगी। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पीछे वाला बालकनी का हॉल दिखाया था, इस वीडियो में देखो ये ऊपर में देखो जो बेडशीट उससे कवर करके रखा है, इसके अंदर फ्रिज का पैकिंग, टीवी पर पैकिंग सब भर के, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कबूतर था ना और पूरा गंदा करता था। तो ये लगाने के बाद काफ़ी दिनों तक कबूतर आते रहते उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन घुस नहीं पाए। तो अभी यहाँ पे कबूतर नहीं आते क्योंकि उनको घोंसला बनाने की जगह नहीं है ना रहने की। और मेरे पीछे ये देखो डम करके रखा हुआ है। और ये सामने वाला बालकनी में यहाँ पे ये देखो गैस सिलेंडर, यहाँ पे तो पाइप का सा गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वो गमला फट गया तो उसमें कुछ पौधे लगा देंगे, तो अभी लेके नहीं गया, बाद में ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ कार्टून रखा हुआ है, ये गमला उसने लाए थे जैसे मिट्टी लाए थे जैसे नहीं इसमें सीडलिंग्स मतलब सीड्स ग्रो करने के लिए देता, उसी मिट्टी लाए थे तो वो ऊपर ही रखना है। और अभी तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो ये कूलर यहीं पे है, यहाँ पे इन्वर्टर है और सामने का ऐसे ही है, यहाँ पे प्लांटर है, यहाँ पे देखोगे पैकिंग है, तो पैकिंग अभी सब फेंकेंगे नहीं, जितना भी पैकिंग आता है वो हम स्टोर करके रख रहे हैं, जब जाएंगे यहाँ से तो वो पैकेजिंग के काम पे आएगा। और यहाँ पे ये सब है और यहाँ पे जो भी आता है दुकान से तो यहीं पे रख देते हैं, वो अपने आप धूप में सैनिटाइज हो जाता है, दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पे धूप आता है तो इसमें सैनिटाइज हो गया, उसके बाद घर में रखते हैं। तो यही है सामने वाला बालकनी और ऊपर तो ऐसे ही चद्दर से ऐसे लगा के रखे हैं कबूतर के लिए। और इधर ये जो पोर्शन है ये तुलसी का प्लांट है, 5.5 गमले है तुलसी का, यहाँ पे तुलसी का प्लांट रखा जाता है। तो ये देखो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन इसमें जो सीड्स बना है इसे काटना भी है, नहीं तो ये ग्रो नहीं होगा, ये सूख जाएगा। तो इसे भी ये काम बहुत मेहनत का तो नहीं मतलब टाइम लगता है इस काम के लिए, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा घंटा एक डेढ़ घंटा तभी ये काम पूरा होगा। और ये जो एडेनियम मैं खरीद के लाई थी ये एकदम पिलपिला सा हो गया था क्योंकि ये बारिश में वाले बालकनी में ओपन बालकनी में पड़ा हुआ था और बारिश की पानी से ये एकदम सौगी हो गया था। उसके बाद इसमें पानी देना बंद कर दिया, एक हफ्ते इसमें पानी नहीं दिया तो इसका देखो हार्ड हो गया, फिर से हार्ड हो गया। और इसमें एक दिन बाद पानी दे रही हूँ अभी क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी हल्का सा है सॉफ्ट तो वो भी ठीक हो जाए। एडेनियम प्लांट का ये है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो थोड़ा सा हल्का सा अगर सॉफ्ट हो ना वो आप समझिए कि उसका पानी की कमी है, और अगर ज़्यादा पिलपिला सा हो जाता है बिल्कुल नरम पड़ जाता है तब आप समझिए ये सौगी हो गया, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गया, तो इसलिए पानी का ध्यान रखना पड़ता है इसके एडेनियम के प्लांट को। चलो दोस्तों आपको तो बहुत सारे ज्ञान दे दिया पेड़ पौधे एडेनियम तुलसी के पौधे के बारे में। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो अंडा करी बना देंगे, गर्मी में और अच्छा नहीं लग रहा है।
गर्मी में मुझे क्या किसी को ही अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो यहाँ पे अंडा उबल गया, अभी इसको छील लेंगे और आलू आलू से ही बनाएंगे सिर्फ अंडा करी। तो आलू डाल के बना लेंगे अंडा करी। और ये देखो क्लास कर रही है घूम 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 के, इसका क्लास चल रहा है, कान में घुसा हुआ है क्या ईयरफोन और क्लास कर रही है। चलती हूँ मैं खाना बना लेती, इधर भी आ गई देखो क्लास करते करते। अच्छा ओ पर्दे दे रहे हैं, इधर से धूप आएगा ना इसलिए सब रूम में घूम घूम के पर्दे दे रहा है, क्लास भी कर रहा है। कितना काम की है मेरी बेटी सच में। यहाँ पे मेरा एक कड़ी बन गया। अच्छा टमाटर नहीं था तो बिना टमाटर का किया है, तो इसे निकाल लेते हैं। बैग पानी सब कुछ ले लिया, अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज पे, एक घंटा एक्सरसाइज। चलो रिया खोल बेटा, रिया मामा, रिया फालतू फालतू गया, आज नहीं होगा। रिया बेटा कब हम तेरे डाक चाहिए, देखो देखना इस लड़की को, सुनाई नहीं दे रहा, ये भेड़ी हो गई। ये देखो अभी चिल्ला रही थी क्लास हो रहा है और दोनों मैं चली गई थी दोनों मिलके। ये देखो मैगी का है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ अरे थ्री ओ क्लॉक अभी देखो कितना बज रहा है 5:30 और ये 3 o'clock खाना खा के उठे तो 2 बजे खाए थे, 3 बजे 2 बजे बैठे थे ना। हाँ। 2 बजे ना 2 बजे के बाद ही बैठे थे। हाँ। तो 2:30 बजे गए थे ना। नहीं तो अभी तेरा भूख लग गया है इतना कि मैगी खाना पड़ा, एप्पल है वो सब खाओ जो। और एक ही एप्पल है, मैं क्यों खाऊं, मैं शैप्पल खाऊं। अभी ये मैं जब भी जाती हूँ एक्सरसाइज पे या बाहर ये लोग ये मैगी खाते हैं, आप घर में मैगी नहीं लाएंगे। अरे पापा आने दो इस पर या उस पर, अरे ये फोन इस पर या उस पर। मैं भी ना जल्दी जल्दी करके गई, सर नहीं आएंगे तो बताना तो चाहिए कि मैं नहीं आऊंगी और नहीं आऊंगा, वो उनका एक स्टूडेंट को भेज दिया। फिर मैं चले आए, वो स्टूडेंट खुद सीख रहा है, वो हमें क्या कराएंगे। तो फिर मैं चले आए, बताना चाहिए इतना दूर जाना नहीं पड़ता, नहीं जाती आज। अरे जल्दी घर आ गए ना, घर आके इन लोगों का चोरी पकड़ लिया। देखा मैं जब नहीं रहती हूँ तब ये लोग मैगी वगी खा के ना और बर्तन वर्तन साफ करके रख देते हैं, पता ही नहीं चलता, कभी कभी निकल जाता है इनके मुंह से। आज तो मैगी खाया था, उस दिन तो मैगी खाया था तब पता चलता है, ऐसे ही खाते हैं मैगी। अभी 8:45 बजे हैं, देखो अंधेरा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रहा है यहाँ पे। अभी हस्बैंड आए भी नहीं, आज आने में लेट होगा बताया। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रहा है, रात में काफ़ी रात हो गया अभी। तो दोस्तों शाम को आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और एडिटिंग शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो और लंबी नहीं करूँगी, तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अभी मैं इस वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ, तो फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों
देखो घर की यहाँ पे ऐसे लाइट आ रहा है, इसी लाइट में मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।